नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पामा आया है 30 साल का एक नौजवान का, और इनके जो मेन सवाल है इनके कैरियर, फिनांस और मैरिज को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम के एनालिसिस। तो थम से शुरू करते हैं। थम को अगर देखेंगे तो थम अच्छी खासी लेंथ में है, लॉजिक पार्ट लंबी है, विल पावर उसके कंपेरिजन में छोटी है। तो ये इन लोगों को इस तरह का काम करना है। एक तो लॉजिक पार्ट अगर ज़्यादा बड़ी हो तो ये लोगों को बातें करने में अच्छी लगती है, लोगों से बातें करना, टाइम लेके बहुत ज़्यादा बातें करने में इन लोगों की रुचि रहती है और अच्छी भी लगती है इन लोगों की। मतलब ज़्यादा बातें करने वाले जो लोग होते हैं उन सभी का इस तरह से जो ये लॉजिक पार्ट है वो लंबी होती है। दूसरी, इन लोगों के काम कैसे रहते हैं, इस तरीके का काम इसको करना चाहिए जहाँ पर सोचने की या सोचने की टाइम ज़्यादा रहे, एग्जीक्यूशन की टाइम कम रहे, प्लानिंग में ज़्यादा टाइम दे, एग्जीक्यूशन में कम दे। तो उस तरीके का काम में इन लोगों को सक्सेस मिलती है। जैसे कि राइटर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम से सोचते रहते हैं, प्लानिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, और ये जो खुद काम करते हैं वो भी इसी तरीके का ही है। इनका फिनेंशियल प्लानिंग का काम है, जहाँ पर प्लानिंग का ही मेनली काम होता है। तो उस तरीके से अगर हम इस थम को देखें तो ये राइट काम में है और ये काम में इनको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो थम की इंडिकेशन से अगर आप काम करते हैं तो उसी तरह से आपका कैरियर भी अच्छी हो जाती है। इंडेक्स फिंगर देखें तो बहुत ही अच्छी है, इंडेक्स फिंगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है, लंबी थम में पावर है, इंडेक्स फिंगर भी अच्छी खासी क्रॉक है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी। ये टीम को ज़रूर इन्हें लीड करना चाहिए, इस तरीके का जॉब करना चाहिए कि इसके अंडर कुछ लोग काम करें, तो ये बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी दे पाएंगे, दिखा पाएंगे दुनिया को, और अपने टीम से बहुत बेहतरीन काम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके का लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। बाकी सारी फिंगर भी ठीक है। अगर मरकरी को फिंगर आप लोग देखें तो देखिए लेंथ तो ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थर्ड फैलेंज को देखें तो देखिए कितना लंबा है, करीब करीब ये जो नीचे का दो फैलेंज का जो है, जो लेंथ है वही करीब करीब इनकी थर्ड फैलेंज की लेंथ है। तो ये दिखाती है कि इनकी फिंगर से ही अगर थर्ड फैलेंज लंबी हो किसी की भी फिंगर की तो उसकी माउंट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें वो क्वालिटी बहुत, उन लोगों में उस माउंट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इन्हें प्लानिंग का काम बहुत इन लोगों को अच्छी रहेगी, थम से देखा था, और यहाँ पे हम लोग मरकरी माउंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखने को मिल रही है, ऊपर से मरकरी माउंट भी अच्छी खासी पावरफुल है। तो इसके कारण इन लोगों को एनालिसिस की काम बहुत अच्छी तरह से ये कर पाएंगे, और इनका काम ही है फिनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग की। कॉरपोरेट में, बड़े बड़े कॉरपोरेट में फिनेंशियल एनालिसिस की और प्लानिंग की काम रहते हैं, वो इसी तरह का काम भी करते हैं। तो एग्जैक्ट जैसे इसके पाम है उसी तरह का ये काम भी कर रहे हैं, तो यही काम है जिसके लिए इनकी पाम है, मतलब पाम से रिलेटेड ही एकदम 100% हो, एक ही इसी तरीके का काम भी ये कर रहे हैं। तो इनको इसी काम में ही आगे चल के सक्सेस भी मिलेगा। तो अभी हम लोग एक क्लोजअप इमेज में जाएंगे जहाँ पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे माउंट और लाइन को लेके। तो चलिए जाते हैं एक बार। तो ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं। तो इस पाम को अगर देखें तो देखिए मरकरी माउंट काफ़ी अच्छी उभरी हुई है और जगह भी ठीक ठाक हम लोगों को मिल रही है। तो मरकरी माउंट इनकी अच्छी खासी पावरफुल है, और ऊपर से एक मरकरी की लाइन इस तरह से वेनस से आके मरकरी की तरफ जा रही है, ये भी दिखाती है कि इनमें एनालिसिस पावर बहुत अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंडेड है ये, और इसी एनालिसिस पावर के कारण ही ये एनालिसिस की जॉब बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। अगर सन माउंट को देखें तो सन माउंट बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, इस पाम में सन की पावर बिल्कुल ही नहीं है, एकदम फ्लैट है, इतनी ज़्यादा फ्लैट नहीं होनी चाहिए थी। सन की फिंगर भी, लेंथ भी नॉर्मल ही थी, तो नॉर्मल रहने वाली सन की जो फिंगर और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लैट सन माउंट, ये वीकनेस दिखाती है सन में। लेकिन उसको संभालने के लिए एक लंबी सी सन लाइन यहाँ से इस तरह से आ रही है, इतनी दूर तक इतनी लंबी सन लाइन यहाँ तक पहुँच रही है। अगर सनलाइन आपकी लंबी हो जाए और माउंट भी आपकी अच्छी मोटा मोटी साथ दे तो आप लोग ऐसे पैसे कमाते हैं जो आपके बिरादरी में, आपके रिलेटिव में, आपके दोस्तों से आप सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ये इंडिकेशन देखा जाता है। लेकिन इस पाम में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि इनकी सन की जो माउंट है
वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसके बदले में क्या करेगी ये सनलाइन फिनेंशियल बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाएंगे, उसके कारण उसके बदले क्या होगा, इसको रिस्पेक्ट अच्छी खासी मिलेगी। सन की लाइन लंबे होने के कारण रिस्पेक्ट और पैसे दोनों ही मिलते हैं। शायद इस पाम में उतनी ज़्यादा पैसे के मामले में इसको सक्सेस ना दे, हाँ रिस्पेक्ट इनको ज़बरदस्त दिलाएगी, रिस्पेक्ट इनकी दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। सटन माउंट क्या कह रही है, सटन माउंट फ्लैट है, ठीक ठाक है, फ्लैट होना ही चाहिए, उसी तरह से है। और एक बड़ा सा शुक्र वाला इस पाम में है, बहुत ही बड़ा शुक्र वाला है, इस तरह से जा रही है, एकदम मार्केट की तरफ जा रही है। तो कुछ कुछ शुक्रवाला ऐसे होते हैं, हर शुक्रवाला इसी तरह से बन के इस तरह से नहीं बनते हैं, कुछ कुछ जुपिटर माउंट से शुरू होके भी मार्केट की तरफ चले जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो, शुक्रवाला एक ही काम करती है। एक तो आपको इमोशनली कुछ वीकनेस देती है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, दूसरी आपको पैसे के मामले में हेल्प करते रहते हैं, तो ये इनको भी पैसे के मामले में हेल्प करेगी, एक पैसे कमाने में इनको मदद करेगी, और दूसरी थोड़ी बहुत इमोशनल सैडनेस देती रहती है रिलेशनशिप को लेके। तो यही काम इसके वीनस माउंट का, शुक्र वाला का जो हमें दिख रही है वो होगा। जुपिटर माउंट कैसी है, वीक है, जुपिटर की फिंगर तो अच्छी खासी थी, लेकिन जुपिटर माउंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इतनी सी ड्रॉ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं जुपिटर माउंट। हाँ, दो तीन यहाँ पे सनमर्निंग दिखेगी, जिसके कारण धर्म के प्रति निष्ठा रहेगी इनको बहुत ही अच्छी सी, और ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी पामिसी इनमें भी इनको बिलीव रहेगा। लेकिन जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल ना होने के कारण इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएगी। एक तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी ये दे नहीं पाएगी, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, उनको मौका नहीं मिलेगा अपनी लीडरशिप क्वालिटी को शो करने के लिए। मतलब लीडरशिप क्वालिटी तो है आपको, लेकिन आपको कभी भी उस तरह का मौका ही नहीं मिल रही है जहाँ पे आप लीडरशिप क्वालिटी शो करें। आप में मैनेजरियल काबिलियत तो है, लेकिन आपको कभी मैनेजरियल का उतनी ऐसा काम करने का मौका ही नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम इनके पास अभी भी हो रही है, ज़रूर हो रही है, आगे भी होगा। तो इस तरीके का इंडिकेशन हमें इस पाम में जुपिटर माउंट से दिख रही है। अगर हाँ ये फिंगर क्रॉक नहीं होती, जुपिटर की फिंगर, तो इनको प्रॉब्लम भी नहीं होती, ये छोटी लेवल में काम करते हैं और उनको उसी में ये खुश भी रहते। लेकिन फिंगर क्रॉक होने के कारण क्या हो जाएगी, इनकी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, इनमें दिल में रहेगा इनको कि मैं, मुझे लीडरशिप देनी है, मैं बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी दे कर पाऊँगा, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम है। मौका मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन उस तरीके से मौका देती नहीं है अगर जुपिटर माउंट पावरफुल ना हो। तो उनके लिए रेमेडी देंगे हम, देखते हैं उसके बाद क्या होती है। मार्स माउंट कैसी है, पावरफुल है, ये आपको फील्ड वर्क में आपको सक्सेस दिलाएगी। अगर आपकी काम फील्ड वर्क में होती है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। डिफेंसिव मार्स भी अच्छी खासी है, पावरफुल है, तो एग्रेसिव और डिफेंसिव मार्स दोनों पावरफुल होने के कारण आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई कामकाज करते हैं, या फिर अपने कामकाज को थोड़ी फील्ड में लाते हैं, फील्ड में जहाँ पे भी आप काम करेंगे, कुर्सी से उठ के अगर किसी भी तरह अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस भी मिलेगा। वीनस माउंट कैसी है, आपकी बहुत अच्छी पावरफुल है। वीनस माउंट को मैं यहाँ से ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा पावरफुल वीनस माउंट होने के कारण आपको एक तो आपको सेंस अच्छी खासी रहेगी आर्ट्स में। एक बार बता देता हूँ कि ये जॉब करने के साथ साथ ये म्यूजिशियन भी है, जो ड्राम होती है वो इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा पावरफुल इनकी वीनस माउंट है। जिन लोगों की वीनस माउंट पावरफुल होती है, उन लोगों में आर्ट में रुचि अगर रहे तो उनमें उन लोगों को सक्सेस भी मिलती है। अब चाहे जितनी भी सारे फिल्म आर्टिस्ट देख ले जो एक्टिंग करते हैं, जितने सारे सिंगर देख लीजिए, म्यूजिशियन देख लीजिए, उन सभी का वीनस माउंट पावरफुल होनी ही होगी। चाहे कोई भी माउंट पावरफुल हो या ना हो, वीनस माउंट उन लोगों की पावरफुल हमेशा रहती है। पाम किसी भी तरह का हो, वीनस माउंट उन लोगों की पावरफुल होती है। तो इनकी भी वीनस माउंट पावरफुल है, ये इंडिकेशन दिखाती है। हाँ, अगर आर्ट्स की दुनिया में आप रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। तो इसे कभी मत छोड़िएगा, इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मून माउंट आपकी ठीक ठाक है, पावरफुल है, लाइफ लाइन भी इस तरह से मून माउंट
इस तरह से हमें दिख रही है। लाइफलाइन की थोड़ी बहुत ब्रांच इधर आ रही है। फेथ लाइन में मूनमाउंट की कड़ी भी शुरू होकर इस तरह से चल रही है। तो ये कंडीशन यही दिखाती है कि फॉरेन कनेक्शन आपके पाम में है। इनका जन्म कोलकाता में है और ये काम हैदराबाद में जाके करते हैं। ये लॉन्ग इनफ दूरी है जहाँ पे हम लोग फॉरेन कनेक्शन ढूंढ पाए। तो ये देखिए, इनका कैरियर भी शुरू हुआ फॉरेन ही समझिए। कोलकाता से हैदराबाद की दूरी अच्छी खासी है, तो उसको भी आप फॉरेन की तरह दूरी ही समझ सकते हैं। इतनी ज़्यादा दूरी हो तो फॉरेन जो इंडिकेशन होती है वो काम में देती है। तो उसका इंडिकेशन, जन्म स्थान से दूर जाके काम करने का इंडिकेशन भी इस पाम में है और वो कर रहे हैं। तो वो सारे इंडिकेशन हमें इस पाम से, सभी के जो सारे इंडिकेशन इनके पाम से बिल्कुल ही मैच हो रही है। अभी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, एक बार ऊपर का माउंट का जगह देख लेते हैं। जगह अच्छी खासी है, जगह अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन माउंट की पावर उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बेसिकली ये दो माउंट, जुपिटर और सन, ये दो माउंट बहुत ही ज़्यादा वीक है इस पाम में, लेकिन ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिल रही है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे पामों में? ऐसे पामों में हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना भी आप थोड़ी बहुत कमा पा रहे हैं उसे आप जमा कर रहे हैं, लेकिन जम नहीं ज़्यादा रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहे हैं। एक ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है? दूसरी, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, तो बात वहीं पे आके रुक जाएगी कि आपके पास ज़्यादा धन नहीं रहे हैं। ये दो सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि ऊपर का माउंट का जगह है तो पैसे आना या फिर पैसे को रोक के रखना, दोनों का टेंडेंसी का एक तो ज़रूर होगी। हाँ, अगर आपकी फेथ लाइन बहुत ख़राब है ऐसे पाम में, फेथ लाइन की इंडिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, लेकिन जितने भी कमाते हैं उसमें आप थोड़ी बहुत बचत ज़रूर कर लेते हैं। अगर फेथ लाइन आपको सपोर्ट दे दे, बाकी सारी मेन लाइन भी अच्छी तरह से फॉर्मेशन में हो, तो आप तो पैसे कमाएंगे, लेकिन ऊपर का माउंट का पोजीशन जो ठीक नहीं है तो क्या करेगा, तो आप बचत नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे, आप खर्चा कर देंगे। तो उसी तरीके का ये इंसान भी है। इनके देखिए मेन लाइन भी सारे आप लोगों को क्लियर दिखेगी, हॉट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, किसी भी लाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, क्लियर और शार्प है। फेथ लाइन को देखें, वो भी ठीक ठाक ही दिख रही है हमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ 30 साल की उम्र है, यहीं पे कहीं पे होगी फेथ लाइन, बाद में हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे। तो इस एज पीरियड के करीब में फेथ लाइन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो ये पैसे तो अच्छे कमा लेंगे लेकिन जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी पैसे रहेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों का दोनों माउंट अभी पावरलेस है। ऊपर का माउंट का जगह मिलने के कारण इनको पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन माउंट पावरफुल ना होने के कारण ये रख नहीं पा रहे हैं, इनका सारे के सारा खर्चा हो जा रहा है। तो उसका भी रेमेडी हम बताएंगे क्या करना है। तो ये है इनकी सिचुएशन अभी। तो इसके लिए इनको क्या करना है, पहले तो ये दो माउंट को गार्ड करना है, जुपिटर और सन को। आप स्टोन पहन सकते हैं, स्टोन में डायरेक्ट पावर आती है, इसमें पोखराज और इसमें रूबी, तो डायरेक्ट पावर आप दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट पावर बहुत ही कॉस्टली होती है ये सारे स्टोन्स, तो अगर नहीं पाते हैं कर पाते हैं तो सपोर्टिंग जो रेमेडी हो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप में, आप उसको कीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। और धीरे धीरे जब भी आपको मदद मिलेगी आप खुद ही देखते जाइएगा कि आपके ये दो माउंट जो अभी वीक लग रही है इसमें मांस आता जाएगा और ये थोड़ी उबड़ी हुई धीरे धीरे दिखने को लगेगी आपको, और उसके बाद आपके पैसे भी जमा होता जाएगा और आप अमीर भी बनेंगे। जब भी ये माउंट आपकी पावरफुल हो जाएगी थोड़ी बहुत भी, आप बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर का माउंट का जगह बहुत ज़्यादा मिली है। इतनी बड़ी अगर जगह ज़्यादा मिले तो आप लोग पैसे भरपूर कमाते हैं और अमीर भी बनते हैं। सिर्फ यही दो माउंट थे जो वीक है, बाकी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपकी पाम। नीचे का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके पाम। अगर यहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, इस हार्ट लाइन अगर इस तरह से चलती और इतनी ही जगह मिलती जैसा मैंने ड्रॉ किया, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन आपकी हार्ट लाइन नीचे चलने के कारण ये जगह ज़्यादा मिल गई है, तो अमीर आप बनेंगे ज़रूर आगे चल के। तो चलिए थोड़ा आपका एज वाइज फेथ लाइन का एनालिसिस कर लेते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को बाकी से क्लियरली मिल जाएगी। तो यहाँ जो हम खींचे लकीर,
ये करीब करीब 35 ईयर्स एज है, इनकी एज है अभी 30, तो यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ का फेथ लाइन का कनेक्शन कैसी है, अच्छी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, फेथ लाइन में अगर ट्रायंगल बनती है तो उस टाइम पीरियड में लोगों को बहुत ज़्यादा फिनेंशियल बेनिफिट मिलती है, फिनेंस से जुड़ी हुई। यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, जैसी क्या ट्रायंगल ही बन रही, दोनों के दोनों ट्रायंगल के बीच में आपकी फेथ लाइन चल रही है। तो अभी करीब करीब 30-31 में आपको एक बहुत बड़ा मौका ज़रूर मिलेगा, आपकी करियर में बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, चेंजेस भी होने के शायद पॉसिबिलिटीज़ है, आपने बताया है। लाइफ लाइन में भी इंडिकेशन है, उसकी एज हम जो एनालिसिस करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है, जिसे एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए आपको, उसमें बहुत बेहतरी होगी। क्योंकि ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर बनती है फेथ लाइन में, वो सबसे बड़ा अच्छी साइन रहती है। इसे आप मनी ट्रायंगल जो होते हैं ना, दूसरे लोग समझाते हैं, उसे मानिएगा, उस तरीके का बेनिफिट देगा और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी देगा आपको। तो इनकी देख लीजिए, फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है, करीब करीब लगभग जो एज अगर देखें ये 25-26 साल की एज में जो ये फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इनको जॉब या कुछ नहीं मिल सकती थी, ज़रूर मिल सकती थी, लेकिन 25 साल के करीब 26 साल के करीब ही एज जहाँ पे है इनको मेन फिनेंशियल सक्सेस मिल रहा है। अगर फेथ लाइन ना हो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं इस पार्ट में, लेकिन उतनी ज़्यादा आपको फिनेंशियल सक्सेस नहीं मिलेगी। जब आपकी फेथ लाइन स्टार्ट होगी तब से आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी और बेहतरी आती रहती है। इनकी जब भी फेथ लाइन स्टार्ट हुई करीब करीब 25 साल के करीब, तब उतनी ज़्यादा पावरफुल ये फेथ लाइन नहीं थी, कुछ मोटा था। करीब करीब 3 साल तक ये फेथ लाइन इसी तरह मोटा था, उसके बाद अचानक से फेथ लाइन में सुधार आ गया और फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है करीब करीब 36-37 तक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं करीब करीब 1.5-2 साल तक फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो करीब करीब 37 के से लेके 2-2.5 साल तक आपकी फिनेंशियल क्राइसिस रहेगी। कुछ भी कारण हो सकती है, जॉब हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी बहुत फिनेंशियल क्राइसिस रहेगी। उसके बाद आपकी करियर में एक चेंजेस आएगी करीब करीब 39 के करीब, 38-39। वो चेंजेस आने के बाद आपकी फेथ लाइन में फिर से सुधार आएगी और आपको फिर से सक्सेस मिलेगी। तो सिर्फ ये 2.5 साल ही वक्त ऐसा रहेगा जब आपको फिनेंशियल क्राइसिस रहेगी, चाहे वो जॉब के लिए हो या किसी भी तरह से हो, उसके बाद आपकी करियर बहुत ही बेहतरीन जाएगी और एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी आने वाला है। फेथ लाइन से जो हमें मिली है उसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। हाँ, ये नेक्स्ट 2-3 साल तक आप पैसे अच्छे खासे जमा कर पाएंगे, उसका इंडिकेशन आपके पाम में यहाँ पे ट्रायंगल में हमें दिख रही है। जो आपका प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल ही पैसे सेव नहीं कर पाते हैं, अभी अगले इसी एज के करीब से 2-3 साल तक आप अच्छी खासे पैसे ज़रूर सेविंग्स कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन आपके पाम में हमें यहाँ पे दिख रही है। लाइफ लाइन की थोड़ा एज कैलकुलेशन कर ले तो करीब करीब जो दिख रही है हमें आपकी लाइफ लाइन से, एक असेंडिंग लाइन यहाँ से निकल रही है और एक असेंडिंग लाइन यहाँ से निकल रही है और एक यहाँ पे हल्की सी है। तो ये जो पहली लाइन हमें दिख रही है ये करीब करीब आपकी इसी एज है 30-31। नेक्स्ट जो है वो है 35 और जो थर्ड वाली है वो करीब करीब होगी 37-38। तो ये 3 पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको करियर में नया जॉब मिलना, प्रमोशन मिलना, अच्छी इंक्रीमेंट मिलना, ये सारे इंडिकेशन हमें आपकी उस टाइम पीरियड में एज में हमें दिख रही है। तो ये 3 टाइम पीरियड रहेगा जब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अभी फेथ लाइन से भी मिल रही है, लाइफ लाइन से भी मिल रही है कि एक बहुत बड़े सक्सेस के आप करीब है, जो आपको अभी मिलने वाली ज़रूर होगी। अभी आपकी मेन लाइन को फॉर्मेशन को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। हार्ट लाइन कैसी है, हार्ट लाइन ठीक ठाक है, बस सैटर्न और जुपिटर के बीच में आके रुक गई है, वेस्ट फॉर्मेशन रहती है। अगर इस पार्ट में रुक जाए हार्ट लाइन तो हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है और आपको कोई नुकसान भी फिनेंशियल नहीं कर पाते हैं दूसरे लोग, मतलब यह इस तरह का लोग अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं जिसके इंडिकेशन आपकी पाम में है पार्टनरशिप में काम करने का, क्योंकि अगर फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो ना, ये लोग पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, और अगर माइन लाइन इस तरह से मिडिल में आके रुक जाए तो इन लोगों को पार्टनरशिप में लॉस नहीं होते हैं, इसका एक इंडिकेशन दिख लीजिएगा। ये पाम में नहीं है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन
ऐसे लोग करते ज़रूर है, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उस तरीके का, इस तरीके का इंडिकेशन रहती है। फेथ लाइन मून माउंट से शुरू होती है, और अगर माइंड लाइन उन लोगों की इस तरह से मिडिल में आके सैटर्न और जुपिटर के बीच में इस तरह से ड्रॉ करें और वहाँ पे रुक जाए, तो ये लोग को पार्टनरशिप में नुकसान भी नहीं होते। तो अगर आप पार्टनरशिप में कभी काम करते हैं किसी तरह का, तो आप में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर कोशिश भी करेगा तो आप रोक लेंगे, उसकी ताकत आप में है। आपकी लाइन जो हार्ट लाइन है, इससे कुछ फॉलन लाइन है, तो इसमें कुछ हार्ट ब्रेकिंग है, दो तीन लाइन छोटी छोटी फॉलिन हो रहे हैं। तो प्यार में धोखा खाना, प्यार टूट जाना, उसमें दिल दुखना, इसकी इंडिकेशन ये सारे यहाँ पे हमें मिल रही है। आपकी माइंड लाइन क्या कह रही है? आपकी माइंड लाइन कह रही है कि ये लंबी है और अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शार्प माइंड लाइन है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, ना ही कोई आइसलैंड है, ना ही चेन इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई कट है, ना ही कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मीडियम लेंथ के हैं, मीडियम लेंथ से थोड़ी बहुत। तो आपको क्या करना है? आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज नहीं करना है, परमानेंट जॉब भी नहीं करेंगे आप लोग चेंज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। एक कंपनी में करीब करीब 5-6 साल तक तो मिनिमम रहना है, ताकि आपको एक दो प्रमोशन वहाँ पर मिल जाए, उसके बाद आप चेंज कीजिए, फिर से उस कंपनी में उसी तरह के रहिए, 6-7-10 साल उस तरीके का काम कीजिए, उसके बाद चेंज कीजिएगा। फ्रीक्वेंटली चेंज करने में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब 2-3-2.5 साल का जो चेंज करके जो लोग सक्सेस मिलती है, उस तरीके का माइंड लाइन आपकी नहीं है। तो आप उस तरह से फ्रीक्वेंटली चेंज अपने काम में नहीं करिएगा, करीब करीब मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल इस तरीके का आप काम कर सकते हैं। हाँ, आगे चल के जॉब के साथ साथ बिजनेस करने का चांस आपके पास आएगा, और आप करेंगे भी, आपका वो सारे इंडिकेशन हमें दिख रही है। एक तो जो फेथ लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है, दूसरी आपकी माइंड लाइन मीडियम क्वालिटी के हैं, तो मीडियम क्वालिटी वाले जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, या फिर कुछ अपना हॉबी रखते हैं। ओ मैं तो भूल ही गया, आप करते हैं, मैं आप ड्रामिस्ट हैं, और वहाँ से भी आपको फिनेंशियल बेनिफिट होती है, आप पैसे कमाते हैं वहाँ से। तो दो प्रोफेशन तो आपकी है, जॉब के साथ साथ एक प्रोफेशन तो आपकी आर्ट्स की दुनिया में है, उसे ज़रूर कीजिएगा, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, इन फ्यूचर ऐसा हो ज़रूर हो सकती है, जो अभी आपकी साइड बिजनेस है वो आगे चल के आपको, आप उसे मेन अपना रोज़गार या कामकाज का ज़रिया बना सकते हैं, और उसमें आपको मैसिव सक्सेस मिल भी जाएगी। क्यों मिल भी जाएगी, उसकी इंडिकेशन क्या क्या है? एक तो आपकी वेनस माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये रिज़ल्ट देगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल बेनिफिट होगा। और यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि आपकी फेथ लाइन में कैरियर चेंजेस दिखा रही है, कैरियर चेंजेस मतलब जॉब चेंजेस नहीं होती है, कैरियर चेंजेस। वो एज करीब करीब 39 के करीब होगी, 39-40, तो मुझे जो लगती है कि 39-40 तक ही आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप अपना जो हॉबी है, जो शौक है, उसी को अपना पेशा बना लेंगे, और उसको आप में तब जाके आपको ग्रैंड सक्सेस लाइफ में मिलेगी। तो ऐसा कोई मौका आएगा उस टाइम पीरियड में, हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिएगा चेंज करने के लिए। आपको बहुत सारे अनसर्टेनिटी दिखेगी, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, रिलेटिव बोलेगा कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, लेकिन आप लेंगे, आप लीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और उस ऐसे ही मुझे लग रही है आपकी आगे का फ्यूचर ऐसी ही होगी। माइंड लाइन भी बहुत अच्छी है, माइंड लाइन से हमें दो प्रोफेशन मिल रही है, ये लोग जनरली ऐसे ही होते हैं, अगर ऐसी मीडियम क्वालिटी के माइंड लाइन होते हैं तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस करते हैं, ये बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने जो म्यूजिक ड्रामिस्ट है और ड्राम म्यूजिशियन है, ये आर्टिस्ट है, उस तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी समझ लीजिए उसे उनका है, तो उसमें उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अभी 30 साल है, अभी से इनकी शुरू है, और वहाँ से ये पैसे भी कमाते हैं, तो आगे चल के वही आपकी मेन बिजनेस या मेन कामकाज ज़रूर होगा, चाहे वो दूसरी तरीके का काम करे, उसी को लेके डेवलप करके, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो यही रही आपकी पाम की जो करियर से रिलेटेड वो सारे एनालिसिस। अभी आपकी थोड़ी हम लोग मैरिज लाइन का, मैरिज पार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगी क्या सिचुएशन बन रही है। ये तो नहीं है आपकी पाम, एक मिनट, ये वाली है, अगर हम इसको देखें तो आपके पाम में दो ही
मैरिज लाइन है, एक बहुत ही छोटी और हल्की है और एक मीडियम क्वालिटी की है। तो ये छोटी और हल्की की एज जो है करीब करीब आपकी, एक मिनट क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, 32 के करीब ही दिख रही है। तो 2 साल अभी भी है आपकी शादी होने के लिए, उससे पहले कोशिश मत कीजिएगा, होगा नहीं, 2-2.5 साल तक रहेगा, उसके बाद आपको शादी होगी। तो और शादी कैसी रहेगी, एक तो हमने देखा कि यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेकडाउन इंडिकेशन है, तो रिलेशनशिप एक दो तो ब्रेक होगी, उसके बाद ही आपकी शादी होगी और शादी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैरिज लाइन में हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही हल्का है, इसके कारण मैरिज रिलेशनशिप को शुरू करने में आपको तकलीफ़ होगी, किसी के साथ गहरा रिलेशनशिप में जाने के लिए, डीपली रिलेशनशिप जाने के लिए तकलीफ़ होगी। एक बार चले जाएंगे तो ठीक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मतलब शादी करना ही आपके लिए, शादी के गोजगाछ करने के लिए, शादी के पैसा जुगाड़ करने के लिए, माइंड सेट करने के लिए आपको तकलीफ़ होगी। एक बार शादी हो जाएगी तो रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रहेगी, ऐसे लाइन इसी तरह का इंडिकेशन करती है। अगर किसी का मैरिज लाइन हल्का हो, बिल्कुल हल्का, तो उन लोगों को शादी करने में ही प्रॉब्लम आती है, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको भी वैसे प्रॉब्लम आ सकती है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती ज़रूर शादी कर लीजिएगा, जैसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, 32-32.5 मैक्सिमम, उसके ऊपर मत जाइएगा, उसी टाइम पीरियड में शादी ज़रूर कर लीजिएगा। शादी के पहले जितनी भी तकलीफ़ दिखे आपको, जितनी भी अनसर्टेनिटी दिखेगा, वो शादी के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे, आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी। तो यही रही जो आपकी उस तरीके का पाम के एनालिसिस, आपकी पाम में मुझे बाद में मैंने जब हिसाब किया तो बहुत ही बेहतरीन लगा कि आपकी हॉबी ही आगे चल के आपकी करियर बनने वाली है और लीडरशिप क्वालिटी ही भी रहेगी। फिंगर की पैटर्न तो देखिए एक बार, फिंगर की एक बार मैं फिर से एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ, देखिए लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन है। ऊपर का माउंट का जुपिटर का जगह नहीं मिलने के कारण, अच्छी पावर ना होने के कारण ये लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं अभी अपने काम में, लेकिन ये तो पावरफुल होगा, इसको तो पावरफुल होना ही है, आगे चल के ज़रूर पावरफुल होगा, तब ये लीडरशिप क्वालिटी देंगे। कहाँ पे देंगे, जॉब में देंगे या फिर अपनी हॉबी में देंगे, हॉबी में देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगी। देखिए यहाँ पे ये जो है ये फिंगर क्रॉक भी है, अगर क्रॉक फिंगर हो तो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी इनमें रहती है, ये अच्छी ड्रम बजाते हैं, म्यूजिशियन है, तो आगे चल के म्यूजिशियन में ये और भी स्पेशलिटी इनकी रहेगी, दुनिया मानेगी हाँ ये इनमें स्पेशलिटी है। सन की लाइन हम कितने लंबे देखे थे इस पाम में, सन माउंट में एक लंबी लाइन देखी थी ना, वो क्या दिलाएगी, वो इनको ये दिलाएगी कि इनको आगे चल के बहुत बेहतरीन सक्सेस दिलाएगी, इनको रेपुटेशन दिलाएगी, और रेपुटेशन के एक मिनट ले लेता हूँ, तो इनको ये जो सन की लाइन है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, सन की इतनी लंबी लाइन है, इनको रेपुटेशन ज़रूर दिलाएगी। ये देखिए सन की इस तरह से लाइन इस तरह से चल रही है, तो इतनी लंबी अगर सन की लाइन है तो रेपुटेशन दिलाएगी, मिल भी रही है अभी रेपुटेशन, तो ये रेपुटेशन भी इनके हॉबी में आगे चल के सक्सेस कराएगी। अभी देख लीजिए कितनी ज़्यादा पावरफुल इनकी वीनस माउंट है, और मून माउंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ रखते हैं इस पाम की एनालिसिस, मैं 90-95% श्योर हूँ, जैसा जैसा मैंने इस पाम की प्रेडिक्शन किया है उसी तरह से इनकी लाइफ इवेंट भी होता रहेगा। बस मैं इसको रेमेडी दूंगा कि ये 2 माउंट इनकी पावरफुल हो जाए, सक्सेस इनको बहुत ही जल्द मिलने लगेगी, चेंजेस 40 के बाद ही होगी, सक्सेस मिलती रहेगी ज़रूर। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए, एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।